पूरे प्रदेश के साथ जनपद मुरादाबाद में यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया। जैसे ही ये खबर विद्यार्थियों को मिली तो हर जगह खुशी का माहौल देखा गया। इस बार मुरादाबाद में टॉप 10 की लिस्ट में ज्यादातर बच्चे हाई स्कूल और इंटर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी के हैं। हाई स्कूल में 6 बच्चे और इंटर में 4 बच्चे शामिल हैं। इंटर के रिजल्ट में शिखा राज सैनी ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिखा राज सैनी भविष्य में टीचर बनना चाहती हैं और समाज की सेवा करना चाहती हैं। इसी विद्यालय की मोनिका गुप्ता ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सिटी चैनल से बात करते हुए सभी छात्राओं का कहना था कि हम आज बहुत खुश हैं, हमारी मेहनत रंग लाई है। आज मुरादाबाद वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर ये है कि जो बच्चों ने साल भर मेहनत की थी आज उनका फल मिलने वाला है। अब फल मिलने के बाद सभी जगह खुशी का माहौल देखा गया। मुरादाबाद में एक बार फिर गुलाबबाड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक बार फिर बच्चों ने बाजी मार दी है और इसी बाजी मारी इस तरह की सभी जगह मुरादाबाद में इन बच्चों की और इस विद्यालय की तारीफ भी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल में बच्चे टॉप 10 की लिस्ट में 6 हैं और इंटरमीडिएट में 4 हैं। यही नहीं, इस विद्यालय की शिखा राज सैनी जो लड़की है उसने इंटर में टॉप का स्थान प्राप्त किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आज आपको जिले में टॉप का स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। कितना परसेंट रहा आप? 90.2% है। कैसे मेहनत की थी इतने अंक आपने प्राप्त करने के लिए? मेहनत करते थे, रोज 10-12 घंटे पढ़ते थे घर पर रात को पढ़ाई करने के लिए, एकाग्रता थी। जिले में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कैसे हो? हाँ, ये तो था कि डर लग रहा था, रिजल्ट आएगा भी या कब आएगा पता नहीं किस वक्त है। कभी कभी मन में ऐसी बात भी आ रही थी कहीं ऐसा नहीं है तो सबकी नहीं सेम आ जाए? हाँ, ये था कि सब पास हो जाए, क्या पता सब ऐसी पास कर दिया जाए, रिजल्ट ना आए तो था। अब भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? मैं BSc बीएड करूंगी और प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती है प्रोफेसर? क्या आपने ठाना है कि ऐसी कौन सी कमी है जिसको दूर करना चाहती है? मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ाना चाहती हूँ। स्कूल में परिवार में कैसा सहयोग रहा? बहुत सहयोग दिया, सबने बहुत इंकरेज किया आगे बढ़ने के लिए, सब टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सबने बहुत कुछ किया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं, कुछ गलत कदम उठाते हैं, उनके लिए क्या? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अब की बार नहीं तो अगली बार आएंगे जरूर। एग्जाम देते समय किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? सारे सवालों का जवाब मतलब अपने हिसाब से देना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए पेपर वगैरह, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। परिवार में कौन कौन है आप? पापा, मम्मी, छोटी बहन है। अच्छा, देखा गया है कि कुछ बच्चे ट्यूशन और स्कूल की पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं, कुछ ट्यूशन को देते हैं, आप किस चीज़ को महत्व देते हैं? सबको, ट्यूशन में भी पढ़ते थे, स्कूल में जो पढ़ते सब कुछ महत्व दिया, मतलब जो प्रॉब्लम आती थी टीचर से पूछ ली, टीचर्स ने सब बता दिए थे सब लोग। स्कूल की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगती थी स्कूल में हमारी टॉप 10 बच्चों की, सुबह शाम लगती थी, काफ़ी सहयोग मिला सर से। इसी विद्यालय की एक शिखा मोनिका जो है लड़की, उन्होंने भी जो है टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया, दूसरे स्थान पर है, कैसा महसूस कर रही है मोनिका? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या बनना चाहती हैं आज भविष्य में? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, सिविल की प्रिपरेशन करूँगी, इसके बाद BA करूँगी। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरी 3 सिस्टर हैं और मम्मी पापा हैं। कैसा सहयोग रहा स्कूल का, परिवार का? बहुत बढ़िया सहयोग रहा, सब कुछ, सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शिखा राज जी के जो पिताजी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, सर आज बेटी ने आपके टॉप स्थान प्राप्त किया है, क्या कहना चाहते हैं इस विद्यालय को, इस शहर को और इस अपनी बच्ची को? टीचर्स जो हैं विद्यालय के, उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा है और विद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनका डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा पहले से रहा है और अभी भी काफ़ी है, और उन्होंने टीचर्स ने काफ़ी सहयोग जो है करा है उनको, पंक्चुअलिटी में, पढ़ाई की पंक्चुअलिटी में जो बच्चों को शिक्षा दी है उसके मेहनत का फल है, और घर पे भी जो है थोड़ा सा माहौल पढ़ाई का बना रहता है, इसलिए बच्चों को जो है आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो है एकाग्रता और सहनता से, इसी सहनशीलता के साथ और एकाग्र मन से आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर आज आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि हाई स्कूल में भी और इंटर में भी आपके टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, चाहे वो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हो और आपके बच्चों का नाम हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मगर इस बार जो है हाई स्कूल में 6 हैं और इंटर में जो है 4 बच्चे हैं, कैसा महसूस? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इस बार और अच्छा ये है कि हमारा इंटर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और पहले स्थान पर हम रहे हैं जिले के अंदर। 10 बच्चे इस बार हैं, 10 बच्चे वैसे पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार जो है हमारे 4 बच्चे हाई स्कूल में थे और 6 बच्चे इंटरमीडिएट में थे, लेकिन इस बार हाई स्कूल में 6 बच्चे हैं और 4 बच्चे इंटरमीडिएट में हैं,
ऐसा करके 10 बच्चे कुल आए हैं और इसके लिए हमने बहुत प्लानिंग से तैयारी कराई थी पहले से ही, एक्स्ट्रा क्लास चलवाई थी और एक्स्ट्रा क्लास के साथ साथ हमने जो इनके एग्ज़ाम लिए उस एग्ज़ाम की हमने मेरिट बनाई और उस मेरिट में इनका कंपटीशन कराया आपस में, और जो कंपटीशन में बच्चा फर्स्ट आता था उसको हम इनाम भी देते थे। तो इस बार हमने कई बार बीच बीच में उनके एग्ज़ाम कराए, उनको प्रोत्साहित किया, जिससे बच्चों के अंदर बहुत मोटिवेशन आया और वो आगे बढ़े। आने वाला समय वास्तव में कठिनाई का है, जैसा कि कोरोना का ये काल चल रहा है, और जैसा भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी रहेगी उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। हमने सब अपनी पूरी तैयारी करके रखी है, पूरे विद्यालय को हमने सैनिटाइज किया हुआ भी है पहले से ही, क्योंकि कुछ टीचर आ रहे थे, हमारे क्लर्क आ रहे थे, और उसके बाद भी जैसे बच्चे आएंगे उनके आने के लिए हमने पूरी तैयारी करके यहाँ पर रखी हुई है, और जैसे जैसे गवर्नमेंट की एडवाइजरी होगी उस पर काम किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। जैसे आपने सुना है कि जो बच्चों का रिजल्ट आया है वो जैसा परिश्रम सबने किया था और जैसी उम्मीद की थी वैसा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला, मगर आने वाले समय को लेकर चैलेंज बहुत हैं, मगर उस सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इस विद्यालय स्तर पर भी काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग जो हैं अभिभावक बच्चों के यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि इस विद्यालय के टॉप 10 की लिस्ट में जो हैं खासे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, हाथों में उनकी मिठाई है, अपने बच्चों को मीठा मुँह कराने के यहाँ पर लोग आए हैं, और सभी शिक्षक जो हैं यहाँ के बहुत खुश हैं कि वो आज जो मेहनत उन्होंने कराई थी अपने बच्चों को वो मेहनत उनकी कारगर साबित हुई है। हाई स्कूल में यहाँ पर जो हैं वो 6 बच्चे हैं और इंटरमीडिएट में जो हैं 4 बच्चे हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं सारे अभिभावक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और सभी शिक्षक और यहाँ पे हमारे साथी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कवरेज करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो है बड़ी खुशी का माहौल आज इस विद्यालय में देखा गया है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस विद्यालय के हैं। हम इन सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसी आशा करेंगे कि ये आगे चलने के बाद हमारे देश और समाज की सेवा करेंगे और शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का कहना है कि मुरादाबाद के विद्यार्थियों ने आज इस शहर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। शिखाराज सैनी जो सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी की छात्रा है, इसने 500 में से 451 अंक प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और हमारे जो एडेड स्कूल हैं उन्होंने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और विशेष तौर पर वे विद्यालय जिनके बच्चे प्रदेश स्तर पर स्थान बनाने में सफल रहे हैं या जिले स्तर के टॉप 10 में स्थान बनाने में सफल रहे हैं, उनको विशेष तौर पर धन्यवाद। और बच्चों से यह एक अपेक्षा है कि परीक्षा कि यह अंतिम नहीं है, अगर किन्हीं कारणों से आप परीक्षा में असफल हुए हैं तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इंटरमीडिएट में भी पुनः परीक्षा कराने का प्राविधान किया गया है, सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्राविधान किया गया है। बच्चों ने प्रयास किया है, कुछ कमियां रह गई होंगी, आगे आने वाले समय में वो कमियां बच्चों द्वारा दूर की जाएगी और वे सभी बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।